संग्राम जी, आप मुझे बार बार कहते हो ना कि लारी का बिजनेस छोटा बिजनेस है, आप कुछ बड़ा करो। तो एक काम कर दो ना, आप मुझे 1-2 करोड़ दे दो फंडिंग। आपको खुद के पैसे देने तो खुद के पैसे दो, आपको कहीं से स्पॉन्सरशिप लेनी है, फंडिंग लेनी है तो आप वहां से लो, क्योंकि इस कंपनी के अंदर डायरेक्टर तो आप ही हैं। तो आप है ना, मुझे फंडिंग ला के दे दो, फिर मैं रेस्टोरेंट खरीद लूंगी। अब चाहे वो रेस्टोरेंट के अंदर मैं प्रॉफिट करूँ या लॉस, फिर वो आपका पैसा है। आपका पैसा डूबेगा तो डूबेगा, मैं कुछ नहीं कर सकती। आपके फाइनेंसर का पैसा डूबेगा तो डूबेगा, मैं कुछ नहीं कर सकती, ठीक है ना। क्योंकि क्या हो रहा है, ये लारी के बिजनेस में मुझे बार बार डील करना पड़ रहा है लेबर के साथ, क्योंकि अभी तक कोई इन बिटवीन मैनेजर आया नहीं है। और आप ट्रैवल करते रहते हो, तो जब आप ट्रैवल करते रहते हो, आई एम रिड्यूस टू डीलिंग विद दिस स्टाफ विच इज अनप्रोफेशनल, अनकूथ। और फिर ये लोग मेरी बात सुनते नहीं है, और फिर बार बार लोगों को कहते हैं कि मैडम गुस्से हो रही है, मैडम गुस्से हो रही है, और फिर आपको लगता है मैं गुस्से हो रही हूँ। और वैसे ही लोग मेरे को पेंट करना चाहते हैं, पोर्ट्रे करना चाहते हैं कि मैं गुस्से वाली औरत हूँ। तो एक काम करो, आप 1-2 करोड़ मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, जो अकाउंट कंपनी का अकाउंट है, और फिर उससे मैं एक रेस्टोरेंट ले लेती हूँ। अब मैं प्रॉफिट करूँ या लॉस, दैट इज नाउ अप टू गॉड, बिकॉज मैं तो बिजनेस सीखने के लिए छोटे लेवल पे कर रही थी। मगर अगर आपको लगता है कि ये छोटे लेवल के साथ आप एसोसिएट नहीं हो सकते हो, तो फिर आप मेरे को पैसे ट्रांसफर करके दे दो, ठीक है। एंड यस, बिकॉज आई डोंट थिंक आई डिजर्व टू डील विद सच अनप्रोफेशनल स्टाफ ऑन एवरीडे बेसिस, बिकॉज आप ट्रैवल करते रहते हो और मुझे ही अनप्रोफेशनल स्टाफ के साथ डील करना पड़ता है, जो बार बार कहता है लोगों को कि पायल तो गुस्सा करती है, मैडम तो गुस्से में है, मैडम तो ये है, मैडम तो वो है, जो बैठ के मेरा खाना डस्टबिन में फेंक देता है, पता नहीं क्या क्या करता है, जस्ट टू प्रोवोक मी। सो काइंडली लेट मी नो व्हाट हैज टू बी डन। दिस हैड टू बी पोस्टेड ऑन सोशल मीडिया बिकॉज आई एम रियली टायर्ड डीलिंग विद अनप्रोफेशनल, अनकूथ, अनएजुकेटेड, इलिटरेट पीपल। आई डोंट थिंक आई डिजर्व दिस। मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ मेरे बिजनेस के ऊपर, एंड आई रियली डोंट डिजर्व इट कि मैं रोडों के ऊपर चलूं। अननोन लोगों के साथ डील करूं, इट्स नॉट व्हाट आई एम आस्किंग फॉर। आई एम डूइंग दिस सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड द बिजनेस, बट इफ यू थिंक ये बिजनेस बहुत छोटा है मुझे सपोर्ट करने के लिए, देन फाइन, यू प्लीज ट्रांसफर द मनी एंड हम रेस्टोरेंट खोल लेते हैं बड़े लेवल पे। वही सेक्रेटरी का रेस्टोरेंट ले लेते हैं ना, जो कह रहा था आपको कि लारी का काम बहुत छोटा काम है, नहीं करना चाहिए। क्योंकि क्या वो आदमी को पता है कि मैंने जोमेटो का टाइप किया है, मैं अभी स्विगी का टाइप करने की कोशिश कर रही हूँ। सो लेट्स डू इट लाइक दिस वे, लेट मी नो व्हेन द फंड्स आर बीइंग ट्रांसफर्ड, बिकॉज मैं तो छोटे लेवल पे काम इसलिए चालू कर रही थी सो दैट आई अंडरस्टैंड द बिजनेस एंड आई नो हाउ टू मेक प्रॉफिट। मगर अगर छोटे लेवल पे मुझे ऐसे लोगों के साथ डील करना पड़े जिनको बात करने की तमीज नहीं है, तो मैं क्यों डील करूं? और आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी नहीं है, तो इट्स नॉट रिक्वायर्ड नो फॉर मी टू डील विद सच काइंड ऑफ पीपल, ठीक है। सो जस्ट लेट मी नो व्हेन यू आर ट्रांसफरिंग द फंड्स, बिकॉज संग्राम के जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं ना, सब यही बोलते रहते हैं कि हम कुछ बड़ा स्टार्ट करेंगे, हमको बड़ा ही स्टार्ट करना चाहिए, आप संग्राम जी हो। और संग्राम को वो यही बोलते रहते कि हम बड़ा कुछ यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, वहाँ पे स्टार्ट करेंगे, वहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो मैं तो बिलीव करती हूँ आप छोटे से बड़ा करो, दैट इज़ मच मोर एडवाइजेबल इफ यू आर स्टार्टिंग समथिंग न्यू इन अ डिफरेंट लाइन। बट हाँ, ये लोग रेसलिंग में कुछ बड़ा स्टार्ट करना चाहते हैं, विच इज़ वेरी गुड। तो अगर आपको रेसलिंग में बड़ा स्टार्ट करना है, आप करो, मगर बिकॉज आप फिटनेस और हेल्थ के साथ जुड़े हुए थे, मैंने सोचा कि चलो फूड इंडस्ट्री में एंट्री करते हैं। मगर मेरी फूड इंडस्ट्री में जो एंट्री लेवल मैंने किया एक स्टार्टअप लेवल पे, अगर वो स्टार्टअप लेवल पे आपको समझ नहीं पड़ रहा है कि आप मुझे किस प्रकार से सपोर्ट कर सकते हो इनडायरेक्टली बाई फिगरिंग आउट मैन पावर लेबर विच इज सो अनएजुकेटेड, अनप्रोफेशनल, इलिटरेट, देन वॉट डू आई डू? मैं कितना डील करूँ उनके साथ, मैं कितना सर फोड़ूँ उनके साथ, मैं क्यों बकवास टॉलरेट करूँ उनकी? वाई शुड आई डील विद सच काइंड ऑफ स्टाफ? मैं हाँ अपनी टोन बेटर करूँ, मैं थोड़ी हलीम बन जाऊँ। मैं हलीम तो बहुत बन गई हूँ, जो इंसान 3 महीने से रोड के ऊपर चल रहा है, सब काइंड ऑफ लोगों के साथ डील कर रहा है, शेयर ऑटो में बैठ रहा है, सब कुछ कर रहा है, वो बहुत हलीम है। मगर एक होता है ईगो, एक होता है सेल्फ रिस्पेक्ट। कोई इंसान जब जानबूझ के सामने वाले को इरिटेट करे, सामने वाले के मुंह पे हंसे, उसको इरिटेट करने के बाद जो पहले भी स्टाफ करता था, तो फिर आदमी कैसे रिएक्ट करेगा? आप चाहते हो कि मैं गुस्से और हूँ सो दैट आप लोगों को बोल सको कि मैं गुस्से वाली हूँ। तो ऐसा अगर स्टाफ वर्क कर रहा है करने पे,
तो वन हैज टू अंडरस्टैंड दैट आई नीड टू गेट आउट ऑफ द सिचुएशन. सो प्रॉब्लम ये है कि संग्राम डज नॉट वॉन्ट टू सपोर्ट मी इन द बिजनेस बिकॉज वो समझता है बिजनेस बहुत छोटे लेवल का. तो ठीक है, आप फंड्स ट्रांसफर कर दो कंपनी अकाउंट में और बिजनेस बड़े लेवल का बन जाएगा. ठीक है, मैं जाके दुकान ले लेती हूँ, शॉप ले लेती हूँ. अब वो शॉप या दुकान या रेस्टोरेंट लेने के बाद बिजनेस फ्लॉप होता है, इट्स नॉट माई क्राइटेरिया. ये मत बोलना कि बाल ने मेरा पैसा डुबा दिया. ठीक है, दैट्स द वे इट्स गोइंग टू वर्क नाउ. बिकॉज मैं कितना अपने आप को जस्टिफाई करूँ, एक्सप्लेन करूँ. बिकॉज एज अ हस्बैंड यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू. मैं छोटे से बड़ा करने की कोशिश कर रही हूँ. आप सिर्फ बड़ा 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 करने की कोशिश कर रहे हो, मगर अगर आपका बड़ा 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 होने में टाइम लग रहा है तो छोटे से बड़ा करने में क्या गलत बात है, मुझे बताओ. आप कहते हो कि गांव में लोग हंसते हैं कि पायल ने ठेला चालू किया. एक्सक्यूज मी, क्या गांव में लोगों को पता नहीं है जोमैटो का टाई अप क्या होता है, स्विगी का टाई अप क्या होता है? डू दे नॉट नो दैट व्हाट इज ऑनलाइन टाई अप्स? ऑनलाइन टाई अप्स करने के लिए आपको क्लाउड किचन की जरूरत होती है. बट बिकॉज आई एम न्यू टू द बिजनेस, आई वॉन्ट टू कीप ऑन ग्राउंड सेल्स ऑन टू टिल माई ऑनलाइन बिजनेस पिक्स अप. तो गाँव में लोगों को इतनी बेसिक समझ नहीं है. बट ओ, आप गाँव से आए हो तो गाँव में लोगों ने आपको बोला है कि ठेले का काम बहुत चीप होता है, ठेले का काम बहुत छोटा होता है. सो नाउ यू डोंट टू सपोर्ट मी. बट आप पहले कैसे मुझे सपोर्ट कर रहे थे? मैं सारी रनिंग अराउंड कर रही थी ना, मैं तो खाली आपसे बैक एंड का सपोर्ट मांग रही थी इन मैन पावर, वो भी आपको नहीं हेल्प करना. तो ठीक है, हाउ डू आई डू अ बिजनेस विदाउट मैन पावर? टेल मी, आई कांट डू इट. और यहाँ पे तो मैं आपके पैसे बचाने की कोशिश कर रही थी, मैं घर के पैसे बचाने की कोशिश कर रही थी. बट ठीक है, एक फेक ईगो में रहना कि भैया हमें बड़ा ही स्टार्ट करना है, उस जोन में रह के बिजनेस करना है और वो पैसा डूब जाए जैसे अमिताभ बच्चन का डूबा था उसके प्रोडक्शन हाउस में, तो फिर आप करो वैसा. मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि अमिताभ बच्चन तो फिर से उतना संपत्ति कमा पाया बिकॉज ही वॉज अमिताभ बच्चन. आपको अपना पूरा हार्ड अर्न मनी ऐसे गंवाना है तो ये आपकी चॉइस है. आपको कुछ बोलूंगी आपको लगेगा कि आपको स्ट्रेस हो रहा है, आप मुझे कुछ बोलेंगे मुझे लगेगा कि मुझे स्ट्रेस हो रहा है, हम दोनों एक दूसरे के साथ लड़ाई करेंगे. आई डोंट थिंक इट्स रियली वर्थ इट. वी बोथ आर एजुकेटेड पीपल, एटलीस्ट टू वट एवर लेवल वी कुड अंडरस्टैंड लाइफ, एंड इट्स नॉट फेयर टू बोथ ऑफ अस. तो लेट मी नो इफ यू वॉन्ट मी टू कीप द बिजनेस ऑन, और यू आर फंडिंग इट, और यू आर चेंजिंग द स्टाफ, और यू आर हेल्पिंग मी विद द मैन पावर. बिकॉज क्या हो रहा है, मेरे को आपको स्ट्रेस नहीं देना, एंड आई ऑल्सो नो दैट यू डोंट वॉन्ट टू गिव मी स्ट्रेस. सो आई एम रियली टायर्ड ऑफ दिस होल डिस्कशन. मेरे को मेरा माल लाना होता है फ्रॉम दैट मार्केट, एंड दैट मार्केट इज सो मेल डोमिनेटेड. आई कैन नॉट गो ऑन कॉलिंग अ पीपल, यू आर बिजी ट्रैवलिंग, आई डोंट हैव अ सेकेंड पर्सन हु कैन हैंडल दिस होल कोऑर्डिनेशन ऑफ पिकिंग अप माल, बाइंग माल, गेटिंग माल टू द लॉरी. इट्स डिफिकल्ट. सो टेल मी व्हाट हैज टू बी डन. आपका कोई बड़ा बिजनेस स्टार्ट जब तक नहीं होगा तब तक क्या मैं अपने छोटे लेवल पे बिजनेस करने की कोशिश भी ना करूं? और आपको शर्म आती है? Just tell me honestly what has to be done, Sangram. I'm really tired. I cannot do this every day. मैं क्यों आड़े तिरछे लोगों के साथ बातचीत करूं? Why should I interact with them? I'm doing this just so that I'm able to understand the business. मैं रोडों पे जा रही हूँ, लोग आके मेरे स्टाफ को धमकी दे रहे हैं, उस स्टाफ को मैं प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ और वही स्टाफ फिर मेरे अगेंस्ट हो जाता है. Why should I do all this? Why? Why? Why should I talk to random people on the roads? I think I deserve better. I am Payal Rohatgi. Everybody is forgetting this. I am not broke. I am not desperate. I don't need money. I am starting a business. So I am starting it at this level. Let's not mistake this for something else. बिकॉज क्या हो रहा है संग्राम, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें झगड़वा रही हैं. एक दिल्ली में इवेंट था, कोई बंदा था जो तुम्हारा कॉन्टैक्ट था, उसने मुझे बोला कि किसका रोल करना है, रावण की बहू का रोल. वहाँ पे जाके मुझसे सूर्पनखा का रोल करवाना चाहता था. वो बंदा कौन था? वो तुम्हारा कोच का कोई कॉन्टैक्ट था. अब मैं वहाँ पे मम्मी के साथ गई और वो मुझे बैक एंड स्टेज पे लास्ट मोमेंट कह रहा है कि आपका ये रोल है, आपको ये रोल करना है. मैंने बोला ये तो कॉन्ट्रैक्ट में था ही नहीं, ये तो ईमेल में था ही नहीं, मेरे को तो बोला गया था ये रोल करना है. मगर उसने ये सब ड्रामा किया लास्ट मोमेंट और मैं वहाँ पर गई आपके बोलने की वजह से. तो उससे क्या हुआ, मेरे को ऐसी पोजीशन में डाला गया आपके नाम के साथ जोड़ के. तो मेरे को ये सब करना नहीं है लाइफ में. तो अभी अगर ये जो स्टाफ है, जो भी मेल स्टाफ है, वो अगर आपकी यू नो सुनता है तो उसको बोलो सिर्फ आपसे बात करें, मेरे से डिसरिस्पेक्ट होके बात मत करें. उसको उसके खाने के पैसे मिल जाते हैं और उसकी जो पगार है वो आपको पता है, आप उसको उसकी पगार दे दो जब आपको देनी है, नहीं देनी मत दो, आपके ऊपर है. मगर मैं क्यों ऐसे अनएजुकेटेड लोगों के साथ डील करूं? वाई शुड आई बी इन अ पोजिशन ऑफ लाइक दैट? वाई शुड ही टॉक टू मी एनी थिंग अपार्ट फ्रॉम खाना खत्म हो गया है, ऑर्डर आया है, ऑर्डर नहीं आया है? आई शुड नॉट बी डीलिंग विद हिम ऑल दिस. तो फिगर दिस आउट संग्राम, बिकॉज आप बिजी हो,
तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि जो कंपनी में आप डायरेक्टर हो वो कंपनी अगर कुछ करने की कोशिश कर रही है मेरे एफर्ट्स से तो आप उसको सपोर्ट नहीं करो, आपका नाक कट जाता है। क्यों? क्योंकि आप बड़े लोगों के साथ घूमते हो, फोटोग्राफ खिंचाते हो, तो क्या वो बड़े लोग फंडिंग कर रहे हैं मेरी कंपनी के अंदर? नहीं ना। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड, मेरी कंपनी भी आपकी कंपनी है, मैं जो मेहनत कर रही हूँ ये कंपनी के थ्रू फूड बिजनेस में एंटर करने से, उससे आपको भी फ़ायदा है क्योंकि आप फिटनेस और हेल्दी लाइफस्टाइल में बिलीव करते हैं, ठीक है? तो मैं जो कर रही हूँ वो इनडायरेक्टली आपके ब्रांड को भी बड़ा करने के लिए कर रही हूँ। तो प्लीज़ काइंडली अंडरस्टैंड कि मेरा काम क्या है। कोई भी लारी पे बैठ के यहाँ पे जो सब्जी बेच रहा है वो जोमैटो स्विगी के साथ टाई अप नहीं कर रहा है, मगर आई कैन नॉट फाइट दिस एवरी डे विद यू, बिकॉज आप 2-3 दिन के लिए आते हो, ना मुझे आपको स्ट्रेस देना है ना मुझे स्ट्रेस लेना है। तो जस्ट अपने आप फिगर आउट कर लो, बिकॉज मेरे पेरेंट्स भी ओल्ड है, वो भी ये बिजनेस में मुझे इतना हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, यू नो, सो दैट आई एम एबल टू डू समथिंग फॉर अस, फॉर एवरी वन। आपको बड़ा रेसलिंग का मैच करना है दुबई में, आप करिए, मैं कहाँ आपको रोक रही हूँ। बट अगर ये फूड इंडस्ट्री में मैं कुछ छोटे लेवल पे स्टार्ट करना चाहती हूँ तो आप बार बार उसको क्यों यू नो दबा रहे हैं, आप उसको सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे, आप मैन पावर क्यों नहीं ला पा रहे, क्यों आपका नाक कटता है ये बोलने में कि मेरी बीवी ये बिजनेस कर रही है मुझे उसके लिए मैन पावर चाहिए। आप हरियाणा गए थे तो मैंने आपको बोला गांव से 1-2 लड़के ले आओ, अब क्यों नहीं गांव से 1-2 लड़के लाए? आपके गांव में क्यों लोगों को शर्म आती है? क्या उनको पता नहीं है जोमैटो का क्या होता है, फूड बिजनेस, रेस्टोरेंट बिजनेस, आई क्लाउड किचन? आप गांव से क्यों नहीं 1-2 लोगों को लेकर आए, सो दैट आई डोंट हैव टू डील विद सच अनप्रोफेशनल स्टाफ? क्यों, व्हाई आर यू नॉट हेल्पिंग मी टू हेल्प अस build a business in the food industry?